नमस्कार दोस्तों, दक्षिण कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार 8 जुलाई 2022 की शाम बादल फटने से कम 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 25 टेंट और 3 सामुदायिक रसोई घर भी नष्ट हो चुके हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य के दौरान तीनों लोगों को बचा लिया गया, वैसे इस दौरान कई लोग लापता और जख्मी हो गए हैं। ऐसे ही लोगों उनके परिजनों के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। अफसरों की माने तो भारी बारिश के बीच शाम 5:30 बजे बादल फटा। गुफा के बाहर आधार शिविर में अचानक पानी आने से 25 टेंट और 3 सामुदायिक रसोई घर नष्ट हो गए। यह वही जगह थी जहां तीर्थ यात्रियों को भोजन दिया जाता था। घटना में फिलहाल 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस और सेना के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बलों और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से प्रभावित लोगों को बचाने का कार्य तेजी से किया जाए। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।